रूबिका जी, आज मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया भारतीय आज की भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब मैंने मुख्तार अब्बास नकवी और जफर इस्लाम साहब को सुना। अक्सर बीजेपी सरकार कहती है कि बीजेपी जैसा कोई नहीं और बीजेपी अच्छा काम करती है, वही कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने बहुत कुछ कह दिया, कहा कि बीजेपी जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार है वैसे बीजेपी कभी नहीं हो सकती। रूबिका जी, आज मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया भारतीय आज की भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब मैंने मुख्तार अब्बास नकवी और जफर इस्लाम साहब को सुना। तो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत से मोदी सरकार और आज की भारतीय जनता पार्टी अपना हक खो चुकी है, आज ये बात बड़ी पुख्ता हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी प्रवक्ता की तो धज्जिया उड़ा दी, कहा कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बीजेपी थी उस तरह से अब बीजेपी में कोई दम नहीं रहा, वो बिल्कुल बदल चुकी है और पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। अटल जी सदन में कहा करते थे, अटल जी कहते थे सरकारें आएगी जाएगी मगर देश और उसका प्रजातंत्र बरकरार रहना चाहिए। जब आज देश के प्रजातंत्र पर, उनकी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, देश की संवैधानिक संस्थाएं और बर्तानिया हुकूमत के द्वारा स्थापित की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो को आज मोदी सरकार फिर वही बर्तानिया हुकूमत की तरह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने राहुल गांधी की तारीफ करने लग जाते हैं, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता को यह बात हजम नहीं होती, वो आंख बबूला हो जाते हैं और बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। अंग्रेज भी तो यही किया करते थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हम भारत जोड़ने का संकल्प लेकर निकले और ये भारत तोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। राहुल गांधी जी को मैं आज देखता हूं तो अटल जी की वो पंक्तियां जो शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचित कविता थी लिखी थी, मुझे हूबहू राहुल गांधी जी उसमें नजर आते हैं। आपको तो पता होगा बीजेपी वाले राहुल गांधी को और कांग्रेस वाले को बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हें छोटा बताने की कोशिश करते हैं, वही बीजेपी प्रवक्ता को बहुत ज्यादा वाट लगाते हुए अभय दुबे ने कहा, मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो, मुझे छोटा साबित करना चाहते हो करो, तुम महान हो बने रहो, मैं अपने हृदय की वेदना व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, कुछ भी कर लो मगर मैं अपने कर्तव्य पथ से भागूंगा। तो आपने देखा कि अभय दुबे ने कैसे बीजेपी की वाट लगाई और बीजेपी की सारे पोल खोल कर रख दी और बीजेपी को ये भी कहे कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरे कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और पूरा पोल खोल डाली। तो आपने देखा कि कैसे किया। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।